बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने शीनापुरा हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक के लिए शुक्रवार को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया। ऑफ वाइट शर्ट और घाघी पतलून पहने खन्ना को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपना चेहरा सफेद कपड़े से ढक रखा था। पाकिस्तानी आतंकी नवेद के जिंदा पकड़े जाने के 22 दिनों के अंदर ही सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के फरियाबाद इलाके में लंबी चली मुठभेड़ के बाद एक और पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा है। पकड़े गए आतंकी की उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है और सुरक्षा बलों की पूछताछ में उसने अपना नाम जावेद अहमद बताया है। पिछले कई शुक्रवार की तरह इस जुमे पर भी जम्मू कश्मीर में देश विरोधी झंडे लहराए गए। श्रीनगर के जामिया मस्जिद के पास कुछ लोगों ने नमाज के बाद झंडा दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने इस बार झंडे में VRJKIS लिख रखा था। इससे पहले ही शुक्रवार को ISIS कमिंग सून लिखा हुआ झंडा लहराया गया था। आपको बता दें कि पिछले 7 हफ्ते से लगातार शुक्रवार के दिन घाटी में झंडा दिखाए जाने की घटना हो रही है। शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में हार्दिक पटेल को मिल रहा अपार जन समर्थन भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। पार्टी ने पटेल को नायक करार दिया है, जिसने गुजरात के शांतिपूर्ण राज्य होने के दावे की हवा निकाल दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अब तक यही समझा जाता था कि मोदी ही एकमात्र राजनेता हैं जो भीड़ जुटा सकते हैं। दिल्ली के औरंगजेब रोड को नया नाम मिल गया है। अब इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर कलाम के निधन के बाद से ही दिल्ली की एक प्रमुख सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की मांग उठती रही है। शुक्रवार को NDMC ने यह निर्णय लिया। बजरंगी भाईजान जैसी सुपर डुपर हिट देने के बाद कबीर खान की फैंटम आज रिलीज हो गई। पर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कबीर खान से लेकर एक्टर सैफ अली खान और कैटरीना कैफ तक को फैंटम से कुछ खास लगाव नहीं था। तभी फिल्म का प्रमोशन बहुत कमजोर रहा और फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद कबीर खान जैसे मजे हुए डायरेक्टर से की जा रही थी। हम दे रहे हैं इस मूवी को 2.5 स्टार। मौका मिला था कि मैं नहीं जाने दे सकता था नो मैटर व्हाट द कॉस्ट।